कुमार अंकुश अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच मैथ और रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में सहायता प्रदान करेगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। उम्मीद है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे और एसएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आपके सामने दिया हुआ है रूट अंडर 0.204 गुने 4.2 बटा 0.007 गुने 3.4। अब देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, कि जो आपको दशमलव दिख रहा है उसको बराबर करें। अब देखिए यहाँ से हम गिनेंगे, इधर से गिनते हैं तो एक आई यानी कि एक दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव है, इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, तो टोटल कितना हो गया 4 दशमलव। अब ऊपर में भी हम देखेंगे तो ऊपर में भी है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, अब दशमलव को क्या करेंगे दोस्त, हटा देंगे। अगर ऊपर नीचे दोनों मिल गया तो दशमलव को पूरा हटा देंगे। अब क्या करेंगे कि जो बच गया उसको लिख ले, तो बच गया आपका 204 42, इसके बाद बचा 7 और इसके बाद बचा 34। अब हम क्या करेंगे कि इसको काट दें, तो 7 6 42 और 34 6 204, तो आपका हो गया 6 6 कितना 36, यानी कि रूट अंडर हो गया आपका 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, 6, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो गया 6, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, जो हमेशा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में घूमते रहते हैं, आप लोग हमेशा इसको देखते होंगे। तो देखिए इसको सिंपल बनाते हैं, जब भी बनाएंगे हम लोग तो दाएं क्रम से चलेंगे, ठीक है, दाएं क्रम से यानी इस साइड से चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर 9 है जो कि पूरा पूरा वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमने 9 का वर्गमूल कितना लिया 3। अब वर्गमूल निकालने के बाद फिर बगल वाले जो अंक होते हैं उसको जोड़ देंगे, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, तो 6 में 3 जोड़ देंगे, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। और यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो 9 हुआ वो रूट में होगा, तो फिर 9 का वर्गमूल कितना हो गया मेरा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फिर 22 है तो 22 में फिर 3 जोड़ देंगे, तो 22 और 3 कितना हो गया दोस्त 25, यानी कि फिर ये जो 25 आया होगा फिर रूट में आया होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हुआ होगा 5, ठीक है। अब यहां से चलेंगे 11 है तो 11 में फिर हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ होगा दोस्त 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होगा लास्ट में 4। तो अंत में जो आपका आंसर आएगा यानी अंत में जो आपका अंक आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि 140 रूट अंडर पी प्लस 315 बराबर 1015 तो पी बराबर व्हाट। अब देखिए दोस्त इसको कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे, बराबर के अगर उधर जाएगा तो प्लस रहेगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस 315, तो प्लस 315 हमको पहले इधर लेके चल जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 140 रूट पी बराबर 1015 माइनस 315। तो अब आप देखेंगे कि लिखेंगे कि 140 रूट पी और 1015 में से 315 घटा देंगे तो हो जाएगा दोस्त 700, कितना होगा 700। अब आप देख रहे होंगे कि इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है गुना, ठीक है, तो गुना से बराबर क्रिया में हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, फिर 14 से काट दीजिए 5 बार, 14 5 70, तो बचा आपका रूट पी बराबर 5। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि रूट जब भी बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर का रूप लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पी बराबर
पांच का स्क्वायर, इस रूट को इधर ले गए तो स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इसलिए कि रूट का मान होता है एक बट्टा दू, एक बट्टा दू जब भी बराबर के उधर जाएगा दोस्त स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ठीक है, लिख देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हमने लिख दिया, तो p बराबर कितना हो गया पांच का स्क्वायर, तो पांच गुना पांच, तो बचा है कितना 25, यही आपका क्या हो गया दोस्त आंसर। देखिए दोस्त आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि छह संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल करने से औसत एक कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान बताए। तो देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ दिमाग उतना लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छह संख्या का औसत 12, तो औसत मतलब होता है एक संख्या, यानी एक संख्या का औसत कितना हो गया 12, तो यहाँ लिखेंगे दोस्त संख्या और यहाँ लिखेंगे औसत, ठीक है। अब देखिए छह संख्या था तो संख्या की जगह पर लिख दिए छह और औसत कितना था 12, अर्थात एक संख्या का औसत 12 है तो छह संख्या का औसत कितना होगा, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 12 6 कितना हो गया 72, यानी 6 संख्या का औसत मेरा हो गया 72। अब कहता है कि एक नई संख्या को शामिल करने से, तो पहले था 6 संख्या, अब एकरा में एक नया संख्या जोड़ दीजिए, तो 6 ये कितना हो गया 7, तो नई संख्या को शामिल करने से औसत एक कम हो जाता है, तो औसत पहले से था 12, अब एक कम हो गया, तो बच गया तो जी 11, तो 11 में गुणा कर दिया 7 से तो कितना हो गया 77, ठीक है। तो अब कहता है कि नई संख्या का मान बता है, तो यहाँ से नया संख्या अगर निकालना है तो नई संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ा में से छोटा को हटा देंगे, यानी कि 77 माइनस 72, तो नई संख्या कितना आ गया 6, यही आपका क्या हो गया आंसर 5। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 77 में से 72 जाएगा तो 5 होगा, गलती से मिस्टेक हो गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, ठीक है, कि रूट अंडर एक्स के पावर माइनस 1 इंटू वाई गुना रूट अंडर वाई के पावर माइनस 1 इंटू जेड गुना रूट अंडर जेड के पावर माइनस 1 इंटू एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि रूट तीनों में शामिल है, तो हम क्या करेंगे कि सबको कॉमन ले लेंगे, यानी कि सबको एक के में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि इनवर्स है, इसको कहते हैं x के पावर माइनस 1, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आपको साइड में बता दें कि प्लस बनाने के लिए अगर कोई भी अंक x के पावर माइनस 1 रहे तो इसको प्लस बनाने के लिए 1 बटा x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि x के अगर 1 बटा x लिखेंगे तो इसके ऊपर एक छिपा रहता है, अगर इसी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाता है x के पावर माइनस 1, तो जब माइनस 1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए 1 बटा x के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो उसी रूप में इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो x के पावर माइनस 1 है तो लिखेंगे 1 बटा कितना x, अब गुना में y था तो हम भी गुना में y कर देंगे, फिर गुना है तो गुना करेंगे, फिर y के पावर माइनस 1 है तो इसी रूप में लिखेंगे 1 बटा y, अब फिर गुना में z है तो गुना में लिखेंगे z, फिर यहाँ गुना है तो गुना करेंगे, फिर z के पावर माइनस 1 है तो 1 बटा z लिखेंगे, फिर x गुना में है तो गुना x कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि सब कट रहा होगा, तो देखिए z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो एक 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 कोई भी अंक से गुणा कीजिएगा तो एक ही रहेगा, यानी कि रूट अंडर एक बचा, एक का वर्गमूल होता है एक, इससे साबित हुआ कि आपका आंसर कितना होगा एक होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्लीज दबा देंगे। थैंक यू।